तमाम दावों के बावजूद योगी राज में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा में बीती रात बदमाशों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम नाथुराम वर्मा है। नाथुराम अपने दोस्त के साथ आगरा के मेहरा नाहरगंज इलाके में गए थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने नाथुराम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नाथुराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए और दो आरोपी भाइयों को पकड़ लिया गया। उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। पिटाई से आरोपी सुधीर के अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरा आरोपी समर सिंह गंभीर रूप से जख्मी है, अस्पताल में भर्ती है। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने हमला किया। भीड़ से निपटने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की और लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या किस मकसद से की गई और हत्या को कितने लोगों ने अंजाम दिया। लोगों के ऊपर हमला हुआ था वर्मा और इनके दो साथी, इनका अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इनका आपस में कुछ विवाद हुआ है, जिसमें वर्मा की हत्या कर दी गई। मोहन थे दोनों भाई, ये सगे भाई है सुधीर और समर, उनको पब्लिक ने घेर लिया था, पीट रही थी, उनको बचाने का प्रयास किया। उस दौरान भीड़ पुलिस पर भी हमलावर हो गई।